गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रजनी सैनी फ्रॉम आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, चैप्टर 4, न्यूट्रिएंट्स इन फूड। हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें शामिल करने चाहिए जिनसे हमारी बॉडी और हमारी हेल्थ है वो अच्छी बनी रह सके। इसके लिए हमने कुछ न्यूट्रिएंट्स देखे थे इम्पोर्टेंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्प्राउटिंग एंड फर्मेंटेशन। स्प्राउटिंग क्या है? अंकुरण। और फर्मेंटेशन क्या है? खमीरीकरण। तो स्टूडेंट्स, स्प्राउटिंग क्या है कि घर में अपने हमने मम्मी को देखा होगा कि कभी वो चने, मूंग, मोठ, ये सब हम लोग भिगोकर इनको उगाकर खाते हैं। क्या करते हैं, चनों को और इनको भिगो के छोड़ा जाता है दिन के लिए, और ओवरनाइट के लिए इनको हम गीले कपड़े में इनको बांध कर रखते हैं, जिससे क्या होता है इनमें से छोटे छोटे दाने से उनमें से धागे से निकल आते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि चने हैं वो उगना स्टार्ट हो गए हैं। इसी को क्या कहते हैं? अंकुरण। इसी को क्या कहेंगे? अंकुरण, यानी भिगोकर और उनकर उगाना, वो क्या है? अंकुरण। और फर्मेंटेशन क्या है? जैसे हम लोग घर में इडली बनाते हैं और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक घोल तैयार करते हैं, उसको खमीरीकरण, खमीर बोलते हैं, खमीर उठाना, उसको हम लोग 5-6 घंटे के लिए या 2-3 घंटे के लिए उसको छोड़ देते हैं ढककर, जिससे वो घोल क्या है वो एकदम से उठ सा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? खमीरीकरण। ठीक है, स्प्राउटिंग एंड फर्मेंटेशन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्प्राउटिंग क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 सेकेंड पैराग्राफ, स्प्राउटिंग एंड फर्मेंटेशन। स्प्राउटिंग अंकुरण, फर्मेंटेशन खमीरीकरण। सम मेथड, कुछ विधि और ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इंक्रीज द न्यूट्रिटिव क्वालिटी ऑफ फूड लाइक स्प्राउटिंग एंड फर्मेंटेशन। तो देखिए, ये कुछ ऐसे मेथड हैं, स्प्राउटिंग और फर्मेंटेशन, ये कुछ ऐसी विधियां हैं जिनको करने से, स्प्राउटिंग और फर्मेंटेशन करने से जो हमारा फूड है उसमें इंक्रीज यानी बढ़ जाना, ये मेथड हम काम में क्यों लेते हैं? क्योंकि इससे जो फूड होता है उसकी न्यूट्रिटिव क्वालिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी जो हमारा भोजन है वो और भी पौष्टिक हो जाता है और भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इसलिए हम लोग चनों को भिगो के खाते हैं, स्प्राउटिंग करते हैं और जो घोल है उसको उठाया जाता है, ये है खमीरीकरण। तो ये दोनों मेथड हम काम में क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? क्योंकि इनको काम में लेने से क्या होता है, हमारा जो फूड है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू यानी पोषक पौष्टिकता जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग स्प्राउटिंग और फर्मेंटेशन मेथड को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्प्राउटेड ग्रेन्स लाइक, जैसे उगाए हुए कुछ अनाज लाइक ग्रेम्स, ग्रेम चना, एंड पल्सेस दाल, आर रिच इन विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। इनमें क्या होता है, बहुत मात्रा में विटामिन और प्रोटीन होता है। लेट अस लर्न हाउ टू मेक स्प्राउटेड ग्रेन्स इन एक्टिविटी 2। हम देखेंगे कि चनों को स्प्राउट करना कहाँ बताया गया है, इन एक्टिविटी 2 में बताया गया है। तो एक्टिविटी 2 ओपन करके देखते हैं, इसमें पेज नंबर 25 पे पहले एक्टिविटी 2 देखिए, नीचे ही नीचे पेज में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3। तो रीड करते हैं, हमने कुछ चने लिए हैं और उनको क्या करना है, देखिए, सोक सम ग्रेम्स इन वाटर ओवरनाइट एंड ट्रांसफर दीज टू ए वेट क्लोथ। सोक, सोक मीन्स भिगोना, SOAK, सोक, सोक मीन्स भिगोना। सम ग्रेम्स, कुछ चनों को हमने भिगो दिया इन वाटर, पानी में, ओवरनाइट, पूरी रात भर के लिए हमने चने लिए और उनको पानी में भिगो के रख दिया। एंड ट्रांसफर,
और फिर उनको वहां से निकाला, दीज टू ए वेट क्लोथ्स, एक वेट मीन्स गीला, एक गीला कपड़ा लिया और उनपे उनको ट्रांसफर कर दिया। चनों को भिगोया पानी में और भिगोने के बाद उन चनों को हमने एक गीले कपड़े पर निकाल लिया। मैम ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, मतलब पहले पानी में भीगे हुए थे, वहां से हमने उठा के उनको ट्रांसफर किया, किस पे? गीले कपड़े पे। ठीक है, एक जगह से दूसरी स्थान पर ले जाना, वो क्या है? ट्रांसफर। तो ट्रांसफर दीज टू ए वेट क्लोथ्स, एक गीले कपड़े पे हमने इनको निकाल लिया। कीप द क्लोथ डंप फॉर ए डे, और हमें इस गीले कपड़े पर रखे हुए चनों को एक दिन के लिए रखना है। डंप यानी नमी बनाए रखनी है, यानी उनके अंदर पानी के छींटे मारते रहना है कि कपड़ा है वो गीला रहे। गीला रहेगा तभी हमारे जो स्प्राउटिंग है वो अच्छे होंगे। सूख जाएगा कपड़ा तो स्प्राउटिंग यानी उनमें से जो पौधे हैं वो स्प्राउट नहीं होंगे, सॉरी जो बीज है हमारा, जैसे अगर हमने चने लिए या मूंग है या मोठ है, तो वो उनमें से क्या है वो उगेंगे नहीं अगर थोड़ी नमी नहीं मिलेगी। इसलिए हमें उस क्लोथ को, उस कपड़े को थोड़ा गीला रखना है। यू विल सी हम क्या देखते हैं, टाइनी थ्रीड्स, टाइनी मीन्स छोटे, थ्रीड्स मीन्स धागे, कमिंग आउट ऑफ डैम। अगर हमने उनको पानी में भिगोया, भिगोने के बाद उनको कपड़े पे निकाल दिया, उसके बाद हमने उनको पूरे दिन के लिए छोड़ दिया, तब हम क्या देखेंगे कि उनमें से धागे से निकल आते हैं। मीन्स क्या हुआ कि चने हमारे उग जाते हैं, उनके अंदर से धागे से निकल जाते हैं। दीज आर स्प्राउट्स, ये क्या है? स्प्राउट्स है, ये अंकुर है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे चने हैं वो उग गए हैं। स्प्रिंकल सम सॉल्ट, अब इन पे हमें स्प्रिंकल छिड़कना, क्या छिड़कना है? सम सॉल्ट, नमक डालना है, लेमन जूस और थोड़ा सा नींबू का जूस डालना है, एंड एड चॉप्ड ऑनियन। चॉप्ड मीन्स कटा हुआ ऑनियन, प्याज, अभी कटे अभी तक ऊपर तेरी हमें आवाज नहीं आ कटे रही थी हुए क्या प्याज तुझे? डालने हैं, एंड टोमेटोस टू द स्प्राउटेड ग्रेन्स, जो उगे हुए चने हैं उनके ऊपर हमें कुछ टोमेटोस भी डालने हैं। मीन्स क्या हुआ, हमने इसका चाट बना लिया, जो बहुत ही न्यूट्रिटिव है, बहुत ही पौष्टिक है हमारी बॉडी के लिए। अगर हमने चने हैं उनको स्प्राउट करके खाए तो उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जो क्वालिटी है, वो और भी बढ़ जाती है। अब उनको टेस्टी बनाने के लिए हमने उन पर क्या किया, आपने खाए भी होंगे घर पे, मम्मी चने मूंग मोठ वो उनको उगाकर बनाती भी होंगे। फिर हम लोग उनको कैसे खाते हैं, उनपे थोड़ा सा नमक डालते हैं, नींबू का जूस डालते हैं, कटे हुए प्याज डालते हैं और उनके ऊपर टमाटर वगैरह डाल के और सलाद बना के उसका टेस्टी सा खाते हैं। खाते हैं, सभी को बहुत अच्छा लगता होगा। तो इससे क्या है कि जो उस चने जो थे उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू थी, जो उनकी पौष्टिकता थी, वो और भी डबल हो गई। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी अनाज हैं जिनको हम उगाकर खाते हैं, इसी को क्या कहेंगे, स्प्राउटिंग कहेंगे। तो स्प्राउटिंग आपको समझ में आया कि स्प्राउटिंग क्या होता है? आया ना कि चने मूंग मोठ ऐसे कुछ अनाज हैं जिनको हम लोग भिगो के और उगा कर खाते हैं, वही क्या है, स्प्राउटिंग है। नेक्स्ट देखते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन देखिए, स्टार्ट करते हैं जहां से एक्टिविटी टू नोटबुक में हमने छोड़ी थी, वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए सिमिलरली, इसी तरह फर्मेंटेशन इम्प्रूव द टेस्ट एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। फर्मेंटेशन, यस एक्टिविटी नहीं बेटा, इनको नहीं करना है नोटबुक में, ठीक है? ये तो आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, इनको आपको करना है, तो आप इनका प्रैक्टिकल करके देखिए। आप घर पे मम्मी को बोलिए कि चनों को भिगोइए और फिर उनको दिन में आप अभी भिगो दो, और रात में क्या करना है, उनको गीले कपड़े से बांधना। फिर आप उनमें सुबह देखना कि उनमें से धागे निकल के आते हैं क्या, तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है। देखेंगे उनमें से धागे से निकलेंगे, वो उगने स्टार्ट हो जाएंगे, तो
तो आप ये एक्टिविटी घर पे करके देखिए, इसको लिखने के बजाय इसको आप करके देखिए, तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि स्प्राउटिंग होता क्या है। ठीक है, ट्राई करेंगे? यस मैम। यस, ओके मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं अभी फर्मेंटेशन। सिमिलरली इसी तरह क्या है, फर्मेंटेशन है। ये फर्मेंटेशन खमीरीकरण क्यों करते हैं? यस ठीक है, खमीरीकरण देखिए, फर्मेंटेशन इंप्रूव द टेस्ट, ये भी इसीलिए किया जाता है, इससे जो फूड का जो टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है। एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे इडली आर मेड फॉर फर्मेंटेड डग। इडली जो हम बनाते हैं, सभी को पता है घर पे मम्मी बनाती है इडली, देखा है मम्मी को बनाते हुए? उसमें मम्मी क्या करती है, पहले जो सूजी होती है उसको छाछ में डाल के उसका घोल बना के रखते हैं ना, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ा जाता है, इसी को क्या कर रहे हैं, फर्मेंटेशन कह रहे हैं। ठीक है, मतलब उसको हमारे फूड को उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है, उसको घोल को बना के रखा है। डग मीन्स घोल। मैम यस, ये बोल वाला भी करने गया? नहीं बेटा, ये खाली पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स हैं जिनको आज हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया हमने फूड स्प्राउटिंग एंड फर्मेंटेशन, अंकुरण। अंकुरण आपको समझ में आ गया क्या होता है? फर्मेंटेशन स्प्राउटिंग, किसी भी अनाज को भिगो के खाना, उसको उगा के खाना ही क्या है, स्प्राउटिंग। और फर्मेंटेशन क्या है, किसी भी कोई भी फूड है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसकी पौष्टिकता अगर हम घोल बनाकर रखते हैं तो उससे बढ़ जाती है। ये भी वही एक मेथड है। स्टार्ट करते हैं सिमिलरली, इसी तरह से देखिए, हमने एक फर्मेंटेड डग घोल तैयार कर लिया है। द डग इज लेफ्ट ओवर नाइट टू फर्मेंट। हमने इस डग, इस घोल को ओवरनाइट पूरी रात भर के लिए खमीर के लिए रखा है। देन इट इज मेड इनटू बोल्स फॉर स्टीमिंग देम। और उसके बाद हम क्या करते हैं, घर पे सभी ने देखा है और इसमें ड्राइंग में भी दिखाया हुआ है आपको, कि जो इडली बनाने का जो सांचा आता है जिसमें हम बनाते हैं, उसमें हम इस घोल को बोल की तरह से डालते हैं और फिर इसको स्टीम करते हैं। स्टीमिंग क्या होता है, भाप से पकाना। स्टीमिंग किया जाता है ना इडली को, नीचे हम लोग पानी रखते हैं और जब वो पानी बॉईल होता है तो उनसे क्या निकलती है, भाप निकलती है, और उसी भाप से हमारी इडली जो है वो पकती है। ऐसा ही होता है, इडली देखा है मम्मी को कभी बनाते हुए? नहीं देखा है तो अभी मम्मी से बनवा के देखना। ठीक है, वो होता है फर्मेंटेशन। तो हम इडली बनाते हैं तो इडली को स्टीमिंग, भाप के थ्रू हम उसको पकाते हैं। देन इट इज मेड इनटू बोल्स फॉर स्टीमिंग देम। फर्मेंटेड फूड इज मोर न्यूट्रिटिव। और जो फर्मेंटेड फूड है, जो खमीरीकृत हमारा फूड है, वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है, पौष्टिक होता है, इसीलिए हम लोग स्प्राउटिंग और फर्मेंटेशन मेथड को यूज में लेते हैं। आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड मींस भोजन, फूड मींस भोजन, प्रिजर्वेशन संरक्षण। हम भोजन को कैसे बचा के रख सकते हैं, उसके हमें कुछ मेथड दी हुई है। फूड प्रिजर्वेशन, भोजन का संरक्षण। देखिए स्टूडेंट्स, मैम फोटो कहाँ पे पेस्ट करनी है? फोटो बेटा, अगर बैलेंस डाइट की आपसे पिक्चर नहीं बनती है, ड्राइंग नहीं बनती है, तो आप इसमें जैसे इसमें दिए हुए हैं वैसे ही कहीं से भी फोटोज कलेक्ट करके उनको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स की कर लीजिए, मिल्क है, एग है, मीट है, पल्सेस है, बीन्स है, अगर आपको इनकी फोटोज मिल जाती है तो आप वो भी पेस्ट कर सकते हैं, तो वो क्या तैयार हो जाएगी, हमारी बैलेंस डाइट तैयार हो जाएगी। ठीक है,
फूड प्रिजर्वेशन, भोजन का संरक्षण. देखिए, फूड केप्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम गेट्स स्पॉइल्ड बाय जर्म्स. हम अपने भोजन को कैसे बचा के रख सकते हैं स्पॉइल्ड, बेकार होने से, जर्म्स से. जर्म्स जो कीटाणु होते हैं उनसे हम अपने भोजन को लंबे समय तक बचा के कैसे रख सकते हैं, उसके लिए हमें फूड को कैसे उसको प्रिजर्व करेंगे, उसको कैसा उसका संरक्षण करेंगे, ये हम एक्टिविटी भी एक दी हुई है, उसको देखते हैं पहले. लेट अस ट्राई एक्टिविटी 3 टू शो दिस. देखिए एक्टिविटी 3, कीप सम कुक्ड फूड और ए चपाती इन ए प्लेट इन वन कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम. हमें क्या करना है, हमें एक रोटी लेनी है, चपाती ली और उसको हमने क्या किया, हमारी क्लासरूम के एक कॉर्नर में रख दिया, प्लेट में डाल के हमने एक रोटी को रखा. Put enough water to keep it moist. बेटा अपनी स्पीकर ऑफ करो. देखिए सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कर ले. म्यूट मैम. वॉइस क्लियर नहीं आ रही है बेटा, म्यूट कर ले. देखिए, कीप सम कुक फूड फॉर ए चपाती. हमने एक पकी हुई एक रोटी ली है और उसको हमने प्लेट में डाल के क्लासरूम में रख दिया है. पुट इनफ वाटर और इसमें कुछ पानी की बूंदे इसमें डाली है. कीप इट मॉइस्ट, मॉइस्ट नमी बने रहने के लिए, उसको थोड़ा सा नमी बनाने के लिए, उसको गीला रखने के लिए हमने उसमें कुछ पानी की बूंदे डाल दी है. ऑब्जर्व इट फॉर ए वीक. एक वीक के लिए, एक सप्ताह के लिए इसको वहीं पे छोड़ दो और फिर हम इसको देखते हैं. नोट द चेंज इन कलर. और इसके कलर में जो चेंज आया है उसको हमें नोट करना है. क्या होगा अगर हम एक रोटी को 7 days के लिए छोड़ देते हैं, एक वीक के लिए छोड़ देते हैं और उसमें कुछ पानी के बूंदे डालते रहते हैं बीच बीच में, जिससे उसमें रोटी में नमी बनी रहे, तो क्या देखोगे आप लोग, कभी हुआ है ऐसा? देखिए क्या होगा, यू विल फाइंड स्मॉल ब्लैक ग्रीन और ग्रे डॉट्स ऑन द फूड चपाती. तो जो हमारी रोटी है, जो हमारा खाना है, उस पे क्या हो जाएगा, ब्लैक ग्रीन और ग्रे कलर के डॉट्स से बने हुए हो जाएंगे. देखा है आपने, दिस शो द ग्रोथ ऑफ जर्म्स. वो किस कारण से होता है, जर्म्स के कारण. जर्म्स के कारण वो रोटी है उसपे क्या हुआ, हमने देखा होगा उसपे फंगस सी आ जाती है. देखा है कभी, अगर हम रोटी को 7 days के लिए छोड़ते हैं और उसके ऊपर पानी के से छींटे मारते हैं तो उससे उसमें नमी बनी रहेगी और नम होने के कारण वो रोटी में क्या होगा, चपाती हमारी कैसी हो जाएगी, उसपे कुछ डॉट्स बने हुए हमें दिखाई देंगे, जिससे क्या पता चला कि जो चपाती है उसमें जम्स आ गए हैं. और वो किस कारण से आए हैं, क्योंकि उस रोटी में क्या थी, नमी थी. उस नमी के कारण हमारी रोटी है वो खराब हो गई है. ठीक है, क्योंकि उसमें जम्स आ गए हैं, उसमें जम्स बढ़ गए हैं, इसलिए वो खाना, वो चपाती है वो खराब हो गई है. समझ में आ रहा है आपको, स्प्राउटिंग और फर्मेंटेशन दोनों मेथड में आपको डिफरेंस पता चला. स्प्राउटिंग क्या है, अंकुरण, किसी भी अनाज को भिगोकर और उसको उगा कर खाना. फर्मेंटेशन क्या है, किसी भी, जैसे हमने इडली बनाई उसके लिए जो घोल तैयार किया जाता है वो क्या है, फर्मेंटेशन है, जिससे फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ती है. दोनों ही जो मेथड है वो हमारे भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए काम में लिए जाते हैं. नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन, कि हम अपने भोजन को जो जर्म्स है उससे कैसे बचा सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 26 ओपन करें. देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको एक्टिविटी दी हुई है, जो एक्टिविटी 2 थी उसको पिक्चर में देखिए आप, पेज नंबर 26 में. इसमें पहले क्या है, हमने क्या लिए है, कुछ चने लिए हैं, उनको हमने भिगो लिया, भिगो के दूसरे बर्तन में इनको ट्रांसफर किया है, उसके बाद हमने इनको एक कपड़े में बांधा हुआ है, दिखाई दिया है आपको, और फिर इनको हमने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया है, या ओवरनाइट के लिए या एक दिन के लिए हमने इनको छोड़ा है.
इसके बाद में जो हमारे मुंह मोठ या चने हैं उनके ऊपर देखो, फोर नंबर वाली जो पिक्चर है उसमें एक धागा सा ऊपर दिखाई दिया है, ऐसे ही बन जाते हैं ना जब घर घर में हम लोग चने या मूंग मोठ को उगाते हैं तो ऐसे धागे से निकल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे जो चने हैं वो उगकर तैयार हो गए। और नेक्स्ट वाली जो एक्टिविटी 3 देखी थी उसमें भी देखिए, जो रोटी हमने रखी थी और पानी की बूंदे डालने से उनमें मॉइस्चराइजर के कारण वो चपाती जो है उसमें जम्स आ गए हैं। तो इसमें दिखाया गया है ना प्लेट के अंदर कि कितने जम्स हैं, ब्लैक ग्रीन ग्रे डॉट्स से बने हुए हमें चपाती पर दिखाई देंगे। तो ये हमारा फूड है वो खराब हो गया है। अब यहाँ हमें कुछ मेथड पढ़ेंगे जिनसे हम अपने फूड को लंबे टाइम तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं, खाने को खराब होने से बचाया जा सकता है। देखिए, फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर ए बेटा आप स्पीकर ऑफ करो, बेटा सभी स्टूडेंट्स स्पीकर ऑफ करो अपने स्पीकर मैम। हाँ जी प्रियांशी आप भी करो बेटा, प्रियांशी स्पीकर ऑफ करो अपना। फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर ए लॉन्गर टाइम बाई प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ जम्स। अब फूड है जो हमारा भोजन है उसको हम किस तरीके से प्रिजर्व्ड उसको संरक्षित कर सकते हैं, उसका रक्षण कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं फॉर ए लॉन्गर टाइम लंबे समय तक बाई प्रिवेंटिंग। प्रिवेंटिंग मीन्स रोकना द ग्रोथ ऑफ जम्स, ग्रोथ वृद्धि ऑफ जम्स, जम्स की जो कीटाणुओं की जो वृद्धि है उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, प्रिवेंटिंग रोकना। देर आर सेवरल मेथड्स, यहाँ हमें बहुत से मेथड्स दिए गए हैं टू कीप फूड सेफ एंड प्रिजर्व इट, जिनसे हम अपने फूड को हमारे भोजन को सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ हमें कुछ फूड प्रिजर्वेशन के कुछ मेथड्स बताए गए हैं और इनमें नंबर 1 दिया गया है सॉल्टिंग। सॉल्ट, सॉल्ट मीन्स नमक डालना। हम अपने खाने को कैसे नमक डाल के लंबे समय तक उसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट सॉल्टिंग, वी कैन ऐड सॉल्ट टू फूड आइटम्स टू प्रिजर्व देम एज इन प्रिंकल पिकल्स एंड फिश। तो देखिए स्टूडेंट्स, वी कैन ऐड, हम लोग ऐड करते हैं, आपने घर पे मम्मी को देखा होगा, पिकल्स मीन्स अचार, जब मम्मी घर पे अचार बनाती है तो उसमें बहुत ज्यादा हम लोग सॉल्ट डालते हैं, नमक डालते हैं। वो क्यों डालते हैं, अचार में बहुत ज्यादा नमक इसलिए डाला जाता है ताकि अचार हमारा जल्दी से खराब नहीं हो, उसमें जम्स नहीं आए, इसलिए हम लोग उसमें सॉल्ट डालकर रखते हैं। और ऐसे ही फिश होती है, जो लोग फिश खाते हैं वो लोग फिश को लंबे टाइम तक उसका यूज लेने के लिए उसमें सॉल्ट डालकर रखते हैं, नमक डाल के रखते हैं। तो यहाँ देखिए जो पिकल्स इसमें दिया गया है, देखिए पिकल सॉल्टिंग, तो पिकल्स जो अचार आता है उसमें तेज ही नमक आता है क्योंकि उसमें जम्स है, उनको रोकने के लिए हम लोग अचार के अंदर ज्यादा नमक है वो एड करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है फूड प्रिजर्वेशन का फर्स्ट मेथड क्या था, सॉल्टिंग, नमक डालकर रखना। तो हम पिकल्स, अचार को और फिश को नमक डाल के उनको लंबे समय तक खराब होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बॉइलिंग, नेक्स्ट है बॉइलिंग, उबालना, उबालना। देखिए दिस मेथड विल प्रिजर्व फूड फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इस मेथड से हम अपने फूड को बचा सकते हैं एक छोटे टाइम तक, एक कम समय के लिए हम लोग बॉइलिंग यानी उबाल कर अपने खाने को बचा सकते हैं। जैसे देखिए, हैव यू सीन, आपने देखा होगा योर मदर बॉइलिंग मिल्क, आपकी मम्मी मिल्क है वो बॉइल करते हैं। मिल्क को हम बॉइल क्यों करते हैं, क्या होता है मिल्क को बॉइल करने से? देखिए स्टूडेंट्स, जो कच्चा दूध होता है वो जल्दी फट जाता है, खराब हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, घर पे मम्मी को देखा होगा आपने, मम्मी है वो मिल्क को बॉईल करके रखते हैं जिससे हमारा मिल्क है वो कुछ टाइम के लिए, मतलब कि एक दिन के लिए या फिर 1.5 days के लिए वो मिल्क है काम में लिया जा सकता है। और अगर हम फ्रिज में रख देते हैं
तो मिल्क को 1 से 2 डेज के लिए हम काम में ले सकते हैं। तो बॉइलिंग मेथड्स है जिससे हम अपने खाने को कुछ टाइम के लिए खराब होने से बचा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स सॉल्टिंग और बॉइलिंग हमने देखा, इससे क्या होगा, इट प्रिवेंट, ये रोकता है इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, खाने को खराब होने से बचाने में। ऑल्सो किल द जम्स प्रेजेंट इन इट, और इसमें जो जम्स होते हैं, मिल्क में जो जम्स आ जाते हैं जिसके कारण दूध फट जाता है, इसलिए गर्म करने से क्या होता है, वो जम्स है वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, इसलिए हम लोग मिल्क को बॉइल करके रखते हैं। नेक्स्ट देखिए रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन जमाना, फ्रीजिंग ठंडा करना। देखिए हम लोग फ्रिज का यूज करते हैं, रेफ्रिजरेशन फ्रिज का यूज करते हैं, फ्रिजिंग मीन्स जमाना। हम कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको फ्रिज में रखते हैं और या फिर उनको जमा कर उनको ठंडा करके रखते हैं। तो देखिए फूड कैप्ड इन ए रेफ्रिजरेटर रिमेन्स फ्रेश फॉर सम डेज। इसमें क्या होता है कि हमारा जो फूड होता है हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठंडा होने के लिए रखते हैं, जिससे क्या होगा हमारा जो फूड है वो फ्रेश रहेगा कुछ दिनों के लिए, इसलिए हम लोग फ्रिज का यूज करते हैं। जर्म्स डू नॉट ग्रो इजिली इन कूल प्लेस। जर्म्स जो कीटाणु है वो इजिली जल्दी से ठंडी जगह पे नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग फ्रिज का यूज करते हैं और अपने फूड को लॉन्ग टाइम तक उसको यूज में लेने के लिए हम लोग कहाँ रखते हैं खाने को, फ्रिज में रखते हैं, जिससे वो ठंडा रहेगा और ठंडी जगह पे जम्स है वो कम आते हैं। वी कैन कीप मिल्क फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड कुक्ड फूड इन ए रेफ्रिजरेटर। आपने अपने घर पे देखा भी होगा कि मम्मी हैं वो फ्रिज का यूज करती हैं, हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क और भी जो घर में बनाया हुआ सब्जी वगैरह खाना जो होता है वो भी हम लोग फ्रिज में रखते हैं, ताकि हमारा जो फूड है वो खराब नहीं हो। ठंड से, फ्रिज में ठंड होती है और उससे हमारा फूड है वो जल्दी से खराब नहीं होता, उसमें जम्स है वो नहीं आते, इसलिए हम लोग फ्रिज का यूज करते हैं। तो ये तो था रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग कि हम लोग फ्रिज का यूज क्यों करते हैं, उससे क्या होता है, फ्रिज का यूज करने से हम खाने को लॉन्ग टाइम तक उसको बचा के रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्वीटनिंग, स्वीट, स्वीट मींस मीठा डालना। अब ऐसे भी फूड आइटम्स हैं अगर हम उनमें मीठा डाल के रखते हैं, चीनी डाल के रखते हैं, तो वो फूड आइटम्स खराब नहीं होते। बेटा आप अपना स्पीकर ऑफ रखें, एक्सेस शुगर, ज्यादा चीनी, एक्सेस मींस अधिक, शुगर मींस चीनी। बेटा स्पीकर ऑफ रखे। यस मैम। एक्सेस शुगर इन फूड आल्सो एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव। तो देखिए ज्यादा चीनी डाल के भी हम अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। देखिए वी कैन स्टोर फ्रूट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द फॉर्म ऑफ जैम्स जेली एंड मुरब्बा बाय एडिंग शुगर। तो आपने देखा होगा कि जो जैम और जेली और जो मुरब्बा डाला जाता है उसके अंदर हम लोग ज्यादा चीनी डालते हैं और उस चीनी से क्या होता है हमारा खाना है वो खराब नहीं होता है। तो देखिए स्वीटनिंग, मीठा डाल के भी हम अपने भोजन को बचा सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा एग्जाम्पल दिए हैं जैम जेली मुरब्बा, इन सब को हम ज्यादा शुगर डाल के बचा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण कि अब क्या होता है धूप में सुखाना। देखिए डिहाइड्रेशन क्या है, कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं धूप में सुखाते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में द फूड आइटम्स, जो फूड आइटम्स हैं आर ड्राइड, ड्राइड मींस सुखाना इन द सन टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ जर्म्स इन देम। जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें जर्म्स को मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको धूप में सुखाते हैं जिससे जो जर्म्स हैं अपने फूड में नहीं आ पाते।
सर्टेन फूड आइटम्स, कुछ सर्टेन मीन्स कुछ, कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं सच एज रो मैंगोज, जैसे कच्चे, रो मीन्स कच्चे मैंगोज, आम, फिश, टोमेटोज एंड पोटेटो चिप्स कैन बी प्रिजर्व बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम इन इन चीजों को बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे रो मैंगोज, कच्चे जो आम होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, उनकी खटोरी बनाने के लिए या उनको सुखाने के लिए हम लोग धूप में रख देते हैं, काट के उनको धूप में रखते हैं, कैरी को रखते हैं ना, फिर उसको सुखा लिया जाता है और खटाई के रूप में काम में लेते हैं। फिश, टोमेटोज, टमाटर जो होते हैं उनको भी ऐसे ही हम पतले पतले काट के, और पोटेटो चिप्स जो बनाते हैं हम लोग घर पे भी आपने देखा होगा, तो हम पोटेटोज को क्या करते हैं, आलूओं को उनको पतले पतले काट कर और धूप में सुखा के रखते हैं, जिससे जो जम्स होते हैं वो धूप के कारण, सन के कारण है, वो खत्म हो जाते हैं और हमारा फूड है वो लॉन्ग टाइम तक सेव रहता है। तो इस मेथड से भी हम अपने फूड को बचा के रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया? स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी, इसके कारण अभी हम इतना ही रीड करेंगे। तो आप ये स्प्राउटिंग और फर्मेंटेशन आप अपने घर पे इनको प्रैक्टिकल करके मम्मी को बोलना, आपको बताएंगे स्प्राउटिंग करना कि कैसे चनों को भिगो के उगा के खाया जाता है और उसकी टेस्ट है वो कितना बढ़ जाता है। और ऐसे ही फर्मेंटेशन क्या है, एक घोल को कुछ टाइम के लिए छोड़ना और फिर उसको खाना बनाना, जिससे वो फूड है क्या है, वो टेस्टी बनता है। और फूड प्रिजर्वेशन के मेथड हमने देखे हैं, सॉल्ट, नमक डाल के खाने को बचाना, बॉइल, उबालकर खाने को बचाना, रेफ्रिजरेशन या फ्रीजिंग, अपने खाने को फ्रिज में रख के हम कुछ टाइम के लिए खाने को बचा सकते हैं, स्वीटनिंग, ज्यादा मीठा डाल के अपने खाने को बचाना, और लास्ट था डिहाइड्रेशन, यानी धूप में सुखाकर भी हम अपने फूड आइटम्स को बचा के रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज यहीं तक हम रीड करेंगे, आप इनको क्या करोगे, मैम करोगे? यस मैथ करूंगा, कोई भी क्लास होगी क्या? यस बेटा, अभी मैथ्स की होगी आपकी। यस मैम। तो आप, मैंने ये रीडिंग करवाई है, आप रीड करेंगे और इसमें जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है, तो उसको अंडरलाइन करके छोड़े और नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।